केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 8 सालों के कार्यकाल में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और जनहितैषी योजनाओं के साथ ही अनेक कार्य किए हैं जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। श्रीमती सिंह ने भिलाई में दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास मंत्रालय द्वारा नागरिकों के हित में अनेक कार्य किए गए हैं। 8 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, मंडल स्तरों तक सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण योजना को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम किए और हमने अपने हर एक योजनाओं तक योजनाओं को जनता तक पहुँचाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश जहाँ 32% आदिवासी रहते हैं, मैं जनजातीय विकास मंत्रालय राज्य मंत्री होने के नाते अपने प्रदेश के 32% आदिवासियों के लिए अनेकों काम किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख काम यह है कि इस वर्ष हमने प्रधानमंत्री आदि आदर्श विकास योजना बनाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4000 गांव को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए योजना बनाकर हमने यहां पर पैसा दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी जनजातीय समुदाय की है। इस वर्ग के लिए उनके मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श विकास योजना के माध्यम से प्रदेश के 4000 गांव को पूरी तरह से विकसित करने की योजना बनाई गई है। आदिवासी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और आश्रम की व्यवस्था भी की गई है।